माँ प्रकृति हमें कितना देती है, ज़रूरत है यह समझने की, उसकी देन को संजोने की, उसकी धरोहर को सहेज कर रखने की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल माँ प्रकृति में। आज मैं आपको परिचय कराऊंगी एक खूबसूरत बेल, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से अपितु और अपने औषधीय गुणों के कारण बहुत ही उपयोगी है और एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जी हाँ, शायद आप पहचान ही गए होंगे, ये है पान की बेल। दोस्तों, जब मैं ये पौधा लेकर आई थी तो उस नर्सरी वाले ने मुझसे ये कहा कि आप इसको छाया में रखिए। मैंने इसको छाया में रख दिया। जब मैंने इसको छाया में रख दिया तो कुछ दिनों बाद मैंने ये देखा कि ये पौधा मुरझाने लगा था। और धीरे 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 धीरे, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी तो थी नहीं, धीरे 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 ये पौधा बिल्कुल सूखने लगा, इसके पत्ते पीले पड़ने लगे और ये गलने लगा। फिर जब इसमें एक पत्ता रह गया तो पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैंने इसको तुरंत वहाँ से हटा के यहाँ रख दिया। यहाँ पर पार्शल शेडी एरिया है, धूप छन छन के आती है। उसके पश्चात मैंने देखा कि जो इसका ये नोड है, ये वाला देखिए आप, ये है ना, ये हाँ, ये यहाँ पे छोटी छोटी पत्तियाँ, एक दो जो नोड थी उनमें आने लगी। और फिर 7-8 दिन में मेरा पौधा फिर से ठीक हो गया। लेकिन फिर 4-5 महीने पश्चात ही फिर दोबारा वही समस्या आ गई, पत्ते पीले पड़ने लगे और गलने लगा। तो मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरा गमला बहुत बड़ा था, इसीलिए ये समस्या पैदा हो रही थी। तो मैंने उसको वहाँ से हटाकर ये दूसरा गमला नहीं, बल्कि ये देखिए, ये मेरे पास एक मटकी थी, मैंने इसमें इसको लगा दिया। ये छोटी सी मटकी थी मेरे गृह प्रवेश की, तो ये देखिए, ये मैंने इसको इसमें लगा दिया और रखा मैंने इसको यहीं रहने दिया। मेरा ये पौधा जो है बहुत अच्छे से इसमें चल पड़ा। और फिर मैंने इसी की एक जो ब्रांच थी यहाँ बराबर में एक गमला रख के, ये गमला है पुराना सा हो गया है, और इसमें ही मैंने इसको दबा दी। इसकी जो ब्रांचेज अगर आप देखें, दिखाई दे रही होंगी आपको, समझ में आ रहा होगा, तो ये यहाँ पे दबा दिया और इसमें से फिर और नई जो है पत्ते निकलने शुरू हो गए। और फिर मैंने जब इसमें भी ये अच्छे से हो गया तो ये एक तीसरा गमला मेरा था, और मैंने इसमें इसको इसी प्रकार से इसकी टहनी को देखिए आप, इस तरीके से दबा रखा है ना, तो ये मैंने इसको यहाँ पे दबा दिया। और अब अगर आप देखें तो मेरा ये पौधा तीनों में ही बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। दोस्तों, ये पौधा बहुत उपयोगी है औषधीय गुणों के कारण भी, और अपनी धार्मिक रूप से भी अगर आप देखें तो ये हर तरीके से हमारे लिए उपयोगी है। पूजा पाठ में लगभग सभी देवी देवताओं पर इसको अर्पित किया जाता है। पान के गुणों से हम सभी परिचित हैं, गले में कोई समस्या हो या कहीं चोट लग गई हो तो पान के पत्ते हर प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हैं। इसको उगाने में कोई समस्या नहीं है, केवल आपको इसकी जो मिट्टी रखनी है वो वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। उसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा आप रेत रखें। और खाद आप कोई सी भी रख सकते हैं, आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो आपको मिल जाए आप कोई भी खाद रख सकते हैं। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपनी बगिया में इस खूबसूरत पौधे को अवश्य स्थान दें। ये बहुत ही शुभ पौधा है। और जब मेरे विद्यालय का इनॉग्रेशन हुआ तो जो हमारे पूजा हुई वहाँ पे, जो हवन हुआ, तो उसके लिए भी मैं इसी बेल में से अपने ये पत्ते, 7 पत्ते बताए थे उन्होंने पंडित जी ने, तो पत्ते मैं यहीं से लेकर गई थी। तो जब हम इस तरीके से अपने ही पौधे के पत्तों का, बेल का जो हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो एक अजीब सी खुशी होती है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप अपनी इस बगिया में, अपनी बगिया में इस सुंदर पौधे को ज़रूर स्थान दें।
देखिए ये मेरे यहाँ पे ये मनी प्लांट की बेल भी आ रही है, इसको मैं अलग करके बाद में बांधूंगी। अब बरसात का सीज़न है तो अब इनकी अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। अब आप देखिए ये मेरी बेल कहाँ तक जा रही है, देखिए ये देखिए नीचे भी ये बहुत लटक रही है। इसको मैं इसको मॉस स्टिक से बांधना चाह रही थी, लेकिन फिर पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि मॉस स्टिक में कहीं ये टाइट सी ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, तो मैंने इसको मॉस स्टिक में नहीं बांधा, इसको ऐसे ही फ्रीली चलने दिया। तो आपको मेरा ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे ये वीडियो शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।